नाज़रीन, आपका एक मरतबा फिर स्वागत है डेली उड़ान के फेसबुक पेज पे। आज हम यूनियन टेरिटरी के चौथे रोज़ में दाखिल हो चुके हैं और चौथे रोज़ का मसलसल कर्फ्यू आज हमारे शहर कस्बा में चल रहा है। आज का दिन जो आने वाले इस वक्त में ईद उल अज़हा का वक्त है, इस वक्त ये जो बाज़ार का माहौल हुआ करता था, बाज़ार में ज़बरदस्त रौनक होती थी, लोग ईद की खरीद व फरोख्त करते थे, बच्चों के लिए मबलूसात की खरीद व फरोख्त हुआ करती थी। लेकिन आज पूरे शहर में सन्नाटा पसरा हुआ है, कर्फ्यू की वजह से आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। तमाम तालीमी और कारोबारी अदारे बंद होकर रह चुके हैं और साथ ही साथ सबसे जो बड़ा हिस्सा बैंक, जो इस वक्त लोगों को काफ़ी ज़रूरत होती है पैसा, जो कैश सबसे ज़्यादा किलो उसकी पाई जा रही है, तमाम के तमाम ATMs खाली पड़े हुए हैं। आप हमारे सामने जो SBI जो बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ATM बंद पड़ा हुआ, आउट ऑफ ऑर्डर है, यहाँ पर किसी भी किस्म का नकदी कोई भी नहीं है। और साथ ही हमारे इस साइड में SBI की ब्रांच है, डोडा ब्रांच, ये भी बंद पड़ी हुई है। यहाँ भी बैंक की हकाम ने पूरा इसको ताला बंद कर दिया है। इसके अलावा स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। हम आपको कुछ विजुअल दिखा रहे हैं जिसमें हमारा पूरा जो शहर की सड़कें हैं उसमें सन्नाटा पसरा है। सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी जा रही है जो ज़िला इंतज़ामिया से इजाज़त लेने के बाद उनको आने जाने दिया जाता है, या जो यहाँ से बाहर जाते हैं। हॉस्पिटल में हमने यहाँ हॉस्पिटल का दौरा किया, वहाँ पर हमने जब सुपरिटेंडेंट से बात की तो उन्होंने बताया कि हम जो मरीजों के लिए हर तरह की सहूलियात को दस्तियाब रखा है, लेकिन जो लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम पड़ रही है, जो पेशेंट यहाँ से क्लियर होकर वापस जाते हैं, उनको गाड़ियाँ नहीं मिलती, जिस वजह से उनको मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त पूरा कस्बा फौजी छावनी में तब्दील हो चुका है, लोगों को किसी भी तरह की राहत मिलने की आदत कोई भी इम्कान नहीं है। कल जुमा का दिन है और इसको मद्देनजर रखकर इंतजामिया ने लोगों को चलने की डील दी है, थोड़ी बहुत डील, कर्फ्यू में किसी किस्म की डील नहीं है, लेकिन पास लेके लोग अपने फोकस कर रहे हैं, लेकिन कुछ गाड़ियाँ वही चल रही हैं जिसको पास है, अदरवाइज किसी भी कमर्शियल व्हीकल को चलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। हमारे साथ डीलर एसोसिएशन के सदर ने भी बात की, उन्होंने कहा कि गाड़ियों को जो राशन सप्लाई है उनको जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। वो इस वक्त ज़िला तरक्याती कमिश्नर डोडा के पास बैठे हुए हैं और वे डिमांड कर रहे हैं कि ईद उल अज़हा से कबल ही वो जो राशन सप्लाई है उसको बहाल करें और लोगों को ईद के लिए राशन फराहम किया जा सके। इस वक्त इसके अलावा जो दवाइयों की दुकानें हैं तमाम बंद पड़ी हुई है, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक ही दुकान खुली है जहाँ से बीमार इस वक्त अपने लिए दवाएँ खरीद रहे हैं। इसके अलावा प्रेजेंट हॉस्पिटल की एसोसिएटेड हॉस्पिटल GMC डोडा तो अभी जो है हमारे नॉर्मल फंक्शनिंग चल रही है। सारे ऑपरेशंस जो भी हैं, इमरजेंसी ऑपरेशंस या कोई अगर कोई हमारे पास एडमिटेड पेशेंट हैं जिनकी डेट्स थी ऑपरेशंस की, तो उनके ऑपरेशंस जो है नॉर्मल हो रहे हैं। बाकी इमरजेंसी सर्विसेज सारी अवेलेबल हैं और इसके साथ साथ जो भी पेशेंट्स हॉस्पिटल में रिपोर्ट करें, चाहे वो इमरजेंसी है या OPD है, तो उन सबको जो है कैजुअल्टी के अंदर ही हम सारी तरह की जो है स्पेशलिटी सर्विसेज जो है प्रोवाइड कर रहे हैं इन एडिशन टू इमरजेंसी सर्विसेज। सर, ये जो बाहर कुछ पेशेंट्स जा रहे हैं जो आप रेफ़र करते हैं, उनमें कोई दिक्कत आ रही है? जो पेशेंट यहाँ से जम्मू के लिए टर्शरी लेवल ट्रीटमेंट के लिए या श्रीनगर में जिनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो उनके लिए हम लोग यहाँ से एम्बुलेंसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एम्बुलेंसेज हमारे पास अवेलेबल हैं। हाँ, दिक्कत उनके लिए पेशेंट्स को डेफिनेटली है, जो लोग यहाँ से जो दाखिल हैं, जिनको छुट्टी हो रही है, उनके लिए उनको घर जाना है, तो वो क्योंकि ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी नहीं है तो वो यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर स्ट्रकअप हैं। कुछ लोगों को हमने जैसे जैसे हमारे पास एम्बुलेंसेज की अवेलेबिलिटी होती है, हम उनको कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ तक हम उनको पहुँचा सकें उनको पहुँचा दें, लेकिन डेफिनेटली इसमें दिक्कत है। ये जो अभी गाड़ी वाला नहीं मिला उधर नगरी में, जिसको मैंने पूछा घाट जा रहे हो क्या, वो आया भद्रवा से, कह रहा है बंद पड़ा है पूरा।
अच्छा छाँव में जगह मिलनी चाहिए एक के। मेरे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट जो म्यूनसिपल कमेटी के काउंसलर हैं, तमाम यहां पर आ चुके हैं। उन्होंने अपने कस्बा के रिलेटेड जो भी इशू थे डीसी साहब के सामने पेश किए, वो हॉस्पिटल में भी गए। हम उनसे जानना चाहते हैं कि क्या क्या इशू हैं उनके आवाम के और उनने क्या इंश्योरेंस लिया डीसी साहब से। आज हम डीसी साहब के पास गए थे, उससे पहले हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का दौरा किया, जहाँ पर सुप्रीधर साहब ने हमें कहा कि जो ये यहाँ पे जिन मरीजों को छुट्टी होती है वहाँ गाड़ी नहीं अवेलेबल होती है उनके लिए, वो हमने डीसी साहब से गुजारिश की कि वहाँ पे 5-7 गाड़ियाँ लगाई जाएँ, टेम्पो, सोमो, स्कॉर्पियो, ताकि वो जिन लोगों को छुट्टी होती है अस्पताल से, ताकि उनको वहाँ गाड़ी मुहैया की जाए। दूसरी बात यह है कि हॉस्पिटल में जो रूटीन में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए दवाई आती है वो ना के बराबर वहाँ पे हैं, इसलिए भी हमने गुजारिश की डी साहब से कि इनको दवाई मुहैया की जाए। और आजकल यहाँ पर ज़्यादातर जो केस आ रहे हैं, जो बच्चों को दूसरों को बाहर कुत्ते काटते हैं, और वो दवाई टोटल ख़त्म हो गई, वो इंजेक्शन जो है वो टोटल ख़त्म हो गए हैं, उसके लिए भी मैसेज दिया जाए ऊपर हॉस्पिटल में और हेल्थ डिपार्टमेंट को, ताकि जल्द से जल्द वो दवाई भेजी जाए और लोगों को परेशानी ना हो। उसके अलावा हमने जो प्रेसिडेंट साहब ने जो हमारे काउंसलर्स की मीटिंग बुलाई थी, उसमें सभी काउंसलर ने तकरीबन अपने वार्ड्स का दौरा किया, और जहाँ पे भी सफाई था, हमारा म्यूनसिपलिटी का पूरा डिपार्टमेंट जो है इस वक्त भी सफाई पूरे वार्ड में कर रहे हैं, ताकि कोई उसे कोई बीमारी ना हो। और हम बिल्कुल गवर्नमेंट के साथ, डीसी साहब के साथ, बिल्कुल तमाम काउंसलर जो हैं वो बिल्कुल जुड़े हुए हैं, ताकि कोई परेशानी अगर किसी को भी हो तो हमने अपने महले में हम विजिट करते हैं, किसी भी का भी कोई भी परेशानी हो, बीमारी का मसला हो या और कोई मसला हो, या किसी को पास की ज़रूरत है, तो हम वो प्रोवाइड करने में लोगों के लिए तैयार हैं। कर्फ्यू लगा हुआ है या क्या? जो भी रिस्ट्रिक्शंस हमारे इन प्लेस है उसको अभी जो है 3 बजे से लेके 4 बजे तक उसका रिलैक्सेशन के लिए जो है वो डायरेक्शन दे दिए गए हैं, और डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन जो है उसको एक्सटेंड किया। ATM सर्विस बंद है सर, लोगों को परेशानी आ रही है पैसों के लिए। आज कल के लिए वो था, आज जो है वो जेके बैंक के साथ कोऑर्डिनेट करके सारे ATM जो है वो रिप्लेस कर दिए गए हैं। अभी मैं आ रहा था तब जो है आपके प्लान और अलग अलग जगह पे ATM जो है भेजे जा रहे थे, टाउन के भी सारे ATM जा रहे हैं रिप्लेस विद कैश, तो देर इज इनफ कैश। The district has been totally peaceful. There is no untoward incident that has happened in either of the towns or any part of the district. It depends on case to case basis. Doda में तो अभी हमने consider किया है relaxation. Bhadarwa में भी जैसे as per the ground reports and as per the conditions prevailing, the relaxation will be considered. लोगों को जो बताने की चीज़ें आवश्यकता है वो लाउडस्पीकर के थ्रू या फिर अलार्म के थ्रू बताई जाए। हॉस्पिटल में सर काफ़ी दिक्कत आ रही है लोगों को, कमर्शियल व्हीकल हो या फिर खाने की, काफ़ी सारी चीज़ों की या पैसों की, काफ़ी सारी नो सर रिपोर्ट टू माई साइड। अगर कोई पर्सनल कोई इशूज है तो मेरे पास में आ जाए तो वी विल बी रिजॉल्विंग दैट पर्टिकुलर इशूज। बट विद रिस्पेक्ट टू मेडिसिन, वी हैव जस्ट टेकन अ टोटल स्टॉक ऑफ द मेडिसिन। जो मेडिसिन हमारे पास है उसका इनफ स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है। जो और मंगवाने की मेडिसिन जरूरी है, मैटर ऑलरेडी टेकन अप विद द कंसर्न एजेंसी, और एडिशनल सप्लाई हमारे पास आ जाएंगी। With respect to petrol also, there is absolutely no need to panic. We have a large stock of petroleum products that is already been there.
एक इमरजेंसी कोटा हर एक पेट्रोल पंप की तरफ से भी रखवाया गया है, तो इसके बारे में भी क्रंच नहीं है। विद रिस्पेक्ट टू फूड ऑल्सो वी हैव इनफ प्रोविजन फॉर 2 मंथ्स टाइम, जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन हमारा करना था वो भी पूरी तरीके से। आप देखने वाली बात ये होगी थी ज़िला इंतजामिया लोगों को किस तरह से ईद से कबल खरीदो फरोख्त करने की डील देते हैं, और लोग भी चाहते हैं कि वो इस वक्त दुकानों को खोलना चाहते हैं, लेकिन जो इंतजामिया ने यहाँ पर कर्फ्यू नाफिज कर दिया, इसके साथ ही साथ दफ़ा 144 भी नाफिजुल अमल है, जिसके चलते किसी भी झुंड को जो दो चार तीन आदमियों से ज़्यादा इकट्ठा नहीं चल सकते हैं, सिर्फ पास वाले लोगों को अलाउ किया जा रहा है। इसके अलावा ATMs वगैरह दुकानें तमाम बंद हैं, लोगों को अपने ही घरों में महसूर होकर रहना पड़ रहा है। सुबह ही पुलिस की तरफ से ऐलान किया जाता है कि लोग अपने अपने घरों में ही बंद रहें और बाज़ार में आने की कोशिश ना करें। गाँव से भी कुछ लोगों ने हमें इतला दी कि वो राशन लेने के लिए आ रहे हैं डोडा, क्योंकि गाड़ियाँ कुछ चल भी रही हैं जो आधे रास्ते तक आती है, लेकिन जब वो बाज़ार में आते हैं तो उनको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है, जिस वजह से मुश्किलात ही मुश्किलात है। यूनियन टेरिटरी का ये चौथा दिन लोगों के लिए मुश्किलात भरा है, आगे देखना होगा कि यहाँ पर किस तरह से सूरत हाल पैदा होती है।